दोस्तों, हमारे भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल पेट्रोल और डीजल लगातार महंगे हो रहे हैं और सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सब्सिडी भी दे रही है, जिससे भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। आंकड़ों पर नजर दौड़ाएंगे तो पिछले 3 साल में 5 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिक चुके हैं और आने वाले समय में इसमें और भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अगर स्पेसिफिकली कार्स की बात करें तो साल 2022 में इलेक्ट्रिक कार के कई मॉडल लॉन्च हुए और आने वाले सालों में भी कई कारें भारत में लॉन्च के लिए तैयार हैं। तो चलिए जानते हैं भारत में नए और लॉन्च होने जा रही कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में। नंबर 9, MG ZS EV। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं MG की ZS EV के बारे में। तो एक कार 1 इलेक्ट्रिक इंजन के साथ में लॉन्च होने वाली है, जिसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आपको देखने को मिलने वाला है। आपको बता दें कि एक कार भी बाकी सभी कार्स की तरह ही नॉर्मल 5 सीटर कार होने वाली है, जिसकी लंबाई 4,323 मिलीमीटर है और वहीं चौड़ाई 1,809 मिलीमीटर। साथ ही व्हील बेस 2,585 मिलीमीटर का है। इसके साथ ही इसमें आपको कुछ और स्पेशल फीचर्स भी नजर आएंगे, जैसे कि इसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ, 360 डिग्री के एंगल पर घूमने वाला कैमरा और 10.1 इंच का फुल टच डिस्प्ले भी नजर आएगा। इतना ही नहीं बल्कि इस कार की रेंज 461 किलोमीटर होने वाली है, क्योंकि इसमें एक 50.3 किलोवाट आवर की बैटरी कैपेसिटी होने वाली है और वहीं इसकी बैटरी को पूरा चार्ज होने में केवल 8.5 से 9 घंटे का समय लगेगा। वैसे अक्सर ही एक सवाल सबके मन में आता रहता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कम टॉर्क को प्रोड्यूस करती है, लेकिन ये कार करीब 280 न्यूटन मीटर के टॉर्क को प्रोड्यूस करती है और इसकी कीमत 23 से 28 लाख के बीच होने वाली है। नंबर 8, ऑडी Q8 e-tron। अब बारी आती है ऑडी के द्वारा बनाई गई Q8 e-tron की। तो इसके बारे में ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसकी कीमत 1.10 करोड़ से 1.40 करोड़ के बीच होने वाली है और कहा तो ऐसा भी जा रहा है कि ये इसी साल 18 अगस्त को लॉन्च होने वाली है। आप जान लें कि ये एक स्पोर्ट्स बैक बॉडी स्टाइल की कार होने वाली है, जिसमें आपको ट्वीक फ्रंट, रियर बम्पर, रीडिजाइन ग्रिल और तो और 20 इंच के अलॉय व्हील्स भी देखने को मिलेंगे। इस कार में भी MG की ZS EV की तरह पैनोरामिक सनरूफ और 360 डिग्री घूमने वाला कैमरा आने वाला है और तो और इसमें 114 किलोवाट आवर का एक बैटरी पैक होने वाला है, जिस कारण से इस कार की रेंज करीब 600 किलोमीटर के आसपास होगी और वहीं इसकी बैटरी को पूरा चार्ज होने में कुल 6 घंटे का समय लगेगा। नंबर 7, किया सोल EV। द किया सोल EV एक पूरी तरह इलेक्ट्रिक सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर SUV होने वाली है, जिसे किया के द्वारा बनाया गया है। इसको बनाने का काम साल 2014 में शुरू किया गया था और अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह साल 2023 के अंत तक बनकर तैयार होगी। अगर इसके इंजन की ओर नजर डालें तो इसमें आपको एक परमानेंट मैग्नेट AC सिंक्रोनस इलेक्ट्रिक मोटर देखने को मिलने वाला है, जो एक लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी से चलेगा। अब अगर इसकी रेंज के बारे में बात करें तो एक रिपोर्ट के अनुसार जितने भी किया सोल EV 2015 से 2017 के बीच बनी है उनकी रेंज 150 किलोमीटर है, जो 2018 से 2020 के बीच बनी है उनकी रेंज 179 किलोमीटर है और जो 2020 के बाद बनी है वो चार्ज में 391 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती हैं। और इसी तरह इन तीनों में बैटरी का भी अलग अलग उपयोग किया गया है, जहां 15 से 17 के किया सोल EV में 227 किलोग्राम की बैटरी है, 18 से 20 के किया सोल EV में 290 किलोग्राम की बैटरी है, वहीं 2020 के बाद की किया सोल EV में 457 किलोग्राम की बैटरी है। नंबर 6, मारुति सुजुकी वैगनार। 200 इलेक्ट्रिक मारुति सुजुकी वैगनार आप सबकी पसंदीदा वैगनार का ही एक इलेक्ट्रिक वर्जन है, जो भविष्य में आने वाली एक बहुत ही शानदार बजट कार होने वाली है और इसकी रेंज 10 से 14 लाख रुपए के बीच होगी। ये कार भी एक स्पोर्ट्स कार जैसा लुक देने वाली है, क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस 165 मिलीमीटर है। इस कार में रूफ माउंटेड एंटीना, फेंडर साइड इंडिकेटर, बी पिलर ब्लैकआउट और नई टेक्नोलॉजी से बने अलॉय व्हील्स नजर आएंगे। इस इलेक्ट्रिक कार में 50 किलोवाट का एक इलेक्ट्रिक मोटर होने वाला है, जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ही आपको देखने को मिलेगा। और इसकी रेंज के बारे में जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से यह कार एक चार्ज में केवल 90 किलोमीटर तक का ही सफर तय कर सकती है। नंबर 5, Hyundai Ioniq 5। मारुति सुजुकी वैगनार के बाद अब Hyundai की ओर रुख करते हैं, जो Hyundai ने Ioniq 5 को ग्लोबल वर्जन में मौजूद 5 वर्जन के बजाय भारत में केवल एक ही वर्जन के साथ उतारा है, जिसकी कीमत 44.95 लाख रुपए से शुरू होती है और ये कीमत शुरुआती 500 ग्राहकों के लिए है, जिसके बाद इसकी कीमत में इजाफा हो सकता है। Ioniq 5 के इंडियन वर्जन में मौजूद इंजन 214 HP का है और ये 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करने में केपेबल है। ये कार मात्र 7.4 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है और इस इलेक्ट्रिक कार में 72.6 किलोवाट आवर वाली कैपेसिटी का बैटरी पैक भी मिलता है, जिसकी बदौलत ये 631 किलोमीटर की दूरी को आसानी से तय कर सकती है। नंबर 4, महिंद्रा XUV 400। महिंद्रा एक ऐसी कंपनी है जो अपने ग्राहकों को कभी भी निराश नहीं करती
और महिंद्रा ने अपने ग्राहकों के लिए महिंद्रा XUV 400 इलेक्ट्रिक कार को बनाया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस महिंद्रा XUV 400 की जो कीमत होने वाली है वो केवल 20 लाख के आसपास की है और इसकी बुकिंग और डिलीवरी को भी जनवरी 2023 से शुरू कर दिया गया। महिंद्रा XUV 400 में 39.4 किलोवाट आवर की कैपेसिटी वाली लिथियम आयन बैटरी दी गई है। इसके बारे में कंपनी का दावा है कि ये कार एक बार फुल चार्ज करने पर 456 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज देगी। इंडियन मार्केट में इसका मुकाबला टाटा नेक्सॉन ईवी जैसी कारों से होगा क्योंकि इसकी कीमत केवल 20 लाख रुपए है। ऐसी आशा लगाई जा रही है कि महिंद्रा XUV 400 इलेक्ट्रिक XUV की अनुमानित कीमत गिरकर 15 लाख रुपए हो सकती है। नंबर 3, BMW i7। दोस्तों, BMW के बारे में कौन नहीं जानता क्योंकि दुनिया की कुछ सबसे लग्जरी कार्स में से एक है। लेकिन BMW इंडिया इस महीने इंडियन मार्केट में अपनी फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक सेडान i7 लॉन्च करेगी। ऑल न्यू BMW i7 को भारत में टॉप स्पेक्स X Drive 60 वेरिएंट के रूप में लॉन्च किया जाने की संभावना है और इसके इस वेरिएंट में 570 BHP के जॉइंट आउटपुट के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर्स देखने को मिलने वाले हैं। इसमें 101.7 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलेगा जो एक बार पूरी तरह से चार्ज करने पर 624 किलोमीटर तक की रेंज देने का वादा करता है। लेकिन बाकी सभी BMW कार्स की तरह ही इस BMW i7 की अनुमानित शुरुआती कीमत 1.80 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। नंबर 2, Citroen ने अपनी नई इलेक्ट्रिक कार EC3 के लिए बुकिंग शुरू कर दी है जिसे कोई भी कस्टमर केवल 25,000 रुपए की टोकन अमाउंट का भुगतान करके प्री बुक कर सकता है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस कार को साल 2023 के आखिर तक लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे जानकर आप पूरी तरह से चौंक जाने वाले हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कार की कीमत काफी ज्यादा कम होने वाली है, यानी कि आपको ये कार लगभग 10 लाख रुपए से 12 लाख रुपए के बीच मिल जाएगी। पर ये फीचर्स के मामले में किसी से पीछे नहीं है, बल्कि इस कार में 29.2 किलोवाट आवर की कैपेसिटी वाला बैटरी पैक और साथ ही 57 BHP और 143 न्यूटन मीटर का आउटपुट देने वाला इलेक्ट्रिक मोटर मिलने वाला है और तो और इसकी रेंज भी 320 किलोमीटर के आसपास होगी। नंबर 1, Renault Kwid। दोस्तों, Renault की ये ब्रांड न्यू इलेक्ट्रिक कार Renault Kwid EV फेसलिफ्ट पर आधारित है और इसी कारण से Kwid EV का डिजाइन स्टैंडर्ड मॉडल से काफी हद तक मिलता जुलता है। Renault Kwid E-Tech में 26.8 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ 65 PS इलेक्ट्रिक मोटर भी दी गई है। साथ ही इको मोड में बैटरी लाइफ को ऑप्टिमाइज करने के लिए 44 PS का पावर आउटपुट भी देता है। ये इलेक्ट्रिक हैचबैक 4 सेकंड में 0-50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ सकती है। Kwid EV का वजन 977 किलोग्राम है और ब्राजील के स्टैंडर्ड के अनुसार मिक्स साइकिल में इसकी रेंज 265 किलोमीटर और शहरी यात्राओं में 298 किलोमीटर की रेंज को देने में सक्षम है और इसकी रेंज के पीछे की वजह इसका वजन है। तो दोस्तों, ये थी भारत की कुछ आगामी इलेक्ट्रिक कारें। आपको इनमें से कौन सी कार सबसे ज्यादा पसंद आई हमें कमेंट करके बताइएगा और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।